भारत देश का आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 में हुई थी, लेकिन मराठवाड़ा जो है 17 सितंबर 1948 को हुआ। और इस साल हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मराठवाड़ा जो पहले निज़ाम के अंडर था, फिर उसके बाद 17 सितंबर 1948 को इंडिया में शामिल हुआ, और इस साल हम उसका अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं। और 8 साल के बाद पहली बार इस शहर में कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है महाराष्ट्र का, और वो योगा योग से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर रहने वाली स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन में, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन में ये कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, और हम इसकी जयद तैयारी कर रहे हैं। और इसकी तैयारी के अनुसार हम ये चाहते हैं कि इस शहर का अलग-अलग चीज़ों का विकास के बारे में उस दिन वहाँ पे औरंगाबाद स्मार्ट सिटी में चर्चा होने वाली है। पूरे कैबिनेट, पूरे कैब सेक्रेटरीज वहाँ पे रहने वाले, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यहाँ पे रहने वाले हैं। और उसके आधार पर जब हम पुलिस के साथ आड़ावा लिया, उसमें अपने पास अभी फ़िलहाल एक गेट है, उसका एक इमरजेंसी गेट रहना चाहिए, जैसा पुलिस के नियमानुसार एक इमरजेंसी गेट रहे, और उसके आधार पर हम हमकास मैदान में टेम्प्ररी वहाँ पे एग्ज़िट बना रहे हैं, और वो 17 सितंबर के बाद वो फिर उसको निकाला जाएगा। विशेष करके हमकास मैदान में डेली देखता हूँ, और बहुत गंदे हालात में है, बहुत होनहार खिलाड़ू वहाँ पे बन सकते हैं लेकिन अच्छे मैदान नहीं है। इसके बारे में जो अपने कैबिनेट मिनिस्टर और वक्फ लैंड की जो मंत्री है माननीय अब्दुल सत्तार साहब, और इसके पहले माननीय खासदार यहाँ पे जो इम्तियाज़ भाई जलील साहब, उनसे भी हमने चर्चा किया कि अमकास मैदान बहुत अच्छे से वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड हो और सभी खेल प्रकार वहाँ पे हो, ऐसा हम उस विषय पे भी चर्चा करने के लिए माननीय मंत्री से हमने आग्रह किया है। और हम दुआ करेंगे कि वो हमकास मैदान का भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के हिसाब से, एटलीस्ट नेशनल स्टेडियम के हिसाब से विकास होना चाहिए, ऐसा हमारा मानस है। तो इसी के आधार पर जो होने वाली कैबिनेट मीटिंग के लिए वहाँ पे विकास काम हो रहा है, और वो जो हमकास मैदान में है, मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, और स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्पोर्ट्स के अलावा दूसरा कुछ होना नहीं चाहिए, ऐसा ठाम भूमिका लेने वाले में मैं अग्रसर रहता हूँ। तो इसलिए जो कहीं भी कोई भी कुछ गलत सुन रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत गलत होगा। तो इसमें जो क्या हो रहा है मैं आपको बताया, और इसके माध्यम से शहर में महाराष्ट्र शासन ने निधि दिया हुआ है, और उसके निधि के अवसर पर पूरा शहर जिस प्रकार से G20 में काम हुआ था उसी से और उसके ऊपर दर्जेदार काम होगा। पहले तो एयरपोर्ट से लेके बाबा पेट्रोल पंप, फिर दिल्ली गेट तक हुआ था, और बाबा पेट्रोल पंप से लेके हमकास मैदान, फिर दिल्ली गेट, हरचुल्टी पॉइंट, इस सभी एरिया हम सुशोभीकरण करने जा रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करूँगा, इस मराठवाड़ा का जो मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का जो अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आप सभी सहभाग हो, और इसके तहत जो सुशोभीकरण काम हो रहे हैं उसमें भी आपके सहकार्य में महानगर पालिका का आयुक्त तथा प्रशासक जी श्रीकांत, मैं सबसे आग्रहपूर्वक विनती करता हूँ। धन्यवाद।